कासोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कासोर अब्बास जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं और बहुत ही बेबाक राय रखते हैं। कासोर अब्बास, मुझे एक बात आप समझाइए, जो पाकिस्तान में अभी हालात हैं, कितने सीरियस हालात लग रहे हैं? पहले भी वहाँ पर बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं सरकार को गिराने के लिए, सड़कों पर लोग उतरे, लेकिन इस बार पूरी विपक्षी पार्टियाँ एक साथ उतर आई हैं। आप मुझे बताइए, आप वहाँ रह करके क्या अनुभव कर पा रहे हैं, कितना सीरियस मामला है इस बार? देखिए, मामला तो सीरियस है, इसमें तो कोई अवाम है नहीं। इमरान खान बड़े लकी हैं कि इनको एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हिमायत हासिल है, इनको कुछ अवाम की भी हिमायत हासिल है, लेकिन जो ऑन द अदर हैंड इनका जो फेलियर है वही इनके लिए सबसे बड़ा एक वो बन के आया है। इनको इनको घबराना भी चाहिए, जिस तरह कहते हैं कि घबराना नहीं है, आप इमरान खान वाजे तौर पर घबरा रहे हैं। इन्होंने करोड़ों एक मिनट रुक रहा हूँ। आप हजार रीजन दे सकते हैं कि उनका फेलियर है, आप तमाम चीजें बता सकते हैं, गिना सकते हैं, वो कोई भी गिना सकता है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि नंबर गेम में ये समझाइए, नंबर गेम में ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी पार्टियां अगर एक साथ हो जाएं तो इमरान खान की सरकार गिरा दें, ये कैसे मुमकिन है? देखिए, इमरान खान को एक सादा सी अक्सरियत हाल है, मेरा ख्याल है कि 5 या 6 वोटों के साथ इन्होंने गवर्नमेंट बनाई हुई है। अगर पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून का आपस में कोई गठजोड़ हो जाता है वहां पे पार्लियामेंट में, मेरा ख्याल है दोनों का मिल जाना ही इमरान खान की गवर्नमेंट को गिरा देगा। यहाँ पे पंजाब में अगर देखा जाए पीटीआई की, वहां पे भी सादा अक्सरियत है, इनके साथ कोई दो पार्टीज वहां पे मिली हैं जिनको ये कातिल लीग कहते रहे हैं, जिनको ये अपोजिशन में रह के पड़े उनको कासोर, मैं एक बार फिर से इस बात पर गौर जोर देना चाहूंगा। कासोर अब्बास क्लियर कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ये दोनों विपक्षी पार्टियां एक साथ अगर मिल जाती तो इमरान खान की हुकूमत गई। ये कासोर कह रहे हैं। कासोर पाकिस्तान के सहाफी हैं, वहां के हालातों को जानते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।